तो हमने उनसे पूछ लिया कि कब वो बच्चन साहब के साथ एक बार फिर से स्क्रीन स्पेस शेयर करते हुए नजर आएंगे। तो देखिए क्या कहा उन्होंने। देखिए भैया, ये आवाम की हसरत है बहुत बड़ी, हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन तभी होते जो अचानक हो जाए। अगर मैं कहूँ, अमित कहे या कोई कहे तो कुछ नहीं होता। आई नो के पब्लिक को बहुत पसंद आएगा अगर हम दोनों आए और हम दोनों की युगलबंदी और छेड़छाड़, जो मैं उसकी टांग खींचता हूँ। बहुत से लोग आए हैं, नहीं मैं कहता, बड़े हीरो साथ साथ आए हैं, लेकिन अमिताभ भी बहुत हीरो के साथ आया है, लेकिन धर्मेंद्र के साथ जब आता है तो बात बनती है। क्योंकि धर्मेंद्र को भगवान ने कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ है। वैसे धर्मेंद्र कुछ वक्त के ब्रेक के बाद वापस अपने फैंस को एंटरटेन करने आ रहे हैं यमला पगला दीवाना पार्ट 3 के साथ, जिसमें उनके साथ उनके दोनों बेटे सनी और बॉबी फिर से दिखाई देंगे। इस फिल्म के लिए धर्मपाजी काफी एक्साइटेड दिखे। 9th आई एम गोइंग टू हैदराबाद टू शूट फॉर माय YPD 3। ओ यस, इट्स अ गुड स्क्रिप्ट, दैट्स गोना बी, एंड अगेन आई एम रेडी फॉर to shoot. Camera is my love. ये मुझे strength दे देता है. क्यों भी? You are my love, darling. You are my strength. वैसे सनी और बॉबी एक साथ पोस्टर बॉयज में भी दिखाई दे रहे हैं, जो जल्द रिलीज होने वाली है. इस फिल्म से धर्म जी को काफी उम्मीदें हैं. I'm very excited. मुझे लगता है ये बहुत अच्छी, क्योंकि already ये हिट हो चुकी है पिक्चर अपने महाराष्ट्र में. और वो दोनों ने काम भी इसमें, लगता है मुझे देख के, ट्रेलर देख के लगा था कि बात है और सबको पसंद आ रही है. अभी चलेगी फिर, क्या ऐसा लगता है. बाकी तो कोई ऐसा कह नहीं सकते, फिर क्या कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरा दिल कहता है वो चलेगी फिल्म.